हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग पढ़ेंगे मुझसे संज्ञा। तो चलिए आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं पहले हम इसे जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञा उन्हीं शब्दों को कहा जाता है जो शब्द किसी के नाम का बोध कराते हैं। अर्थात संसार में सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का कुछ न कुछ नाम होता है। संसार में प्रत्येक वस्तु, वो सजीव हो या निर्जीव, सभी का कुछ ना कुछ नाम है जो कि उनका परिचय कराता है। उसी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, स्थान या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं, तो व्यक्ति का नाम ले लेंगे, सरदार पटेल हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, मोहन, सोहन, गीता, रीता, कोई भी नाम होगा तो क्या होगा, वो संज्ञा होगा। वस्तु, कुर्सी, मेज, टेबल, गिलास, थाली, पुस्तक, पुस्तिका, कोई भी नाम होगा वस्तु का तो भी क्या है, संज्ञा है। स्थान, कोई भी स्थान हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई शहर का नाम हो, लखनऊ, दिल्ली, तो क्या है, वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब हम अवस्था देखेंगे। अवस्था किसी भी प्राणी या फिर वस्तु का अवस्था, वह किस अवस्था में है, जो शब्द यह बोध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा क्या है, उसका अवस्था क्या है, बचपन है, बचपन का अवस्था है तो ये क्या है, वह बच्चे का अवस्था बता रहा है। बूढ़ा एक बूढ़े व्यक्ति का अवस्था बता रहा है। कोई भी वस्तु है, उसका गुण दोष यदि व्यक्त करता है, उसके भाव को व्यक्त करता है, उसकी अवस्था को व्यक्त करता है तो क्या है, वह संज्ञा है। इस तरह हमने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है संज्ञा किसे कहते हैं ये आप लोग भली भांति जान लिए होंगे। चलिए अब हम इसके भेदों को देखते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा जिसे